Hello friends, welcome to An Academy. This is me, Dr. Siddharth Arora, and we have friends continuing the complete coverage of International Relations series. So, इस series में मैंने previous भी सारे videos इसमें किए, वो सारे के सारे complete coverage हो रहे हैं. यहाँ पर coverage नहीं है, यहाँ पर complete coverage है. In other words, we are not only just touching the tip of the subject and leaving it, we are ensuring that आपको ये subject completely समझ में आ जाए. So, इसी कॉन्टेक्स्ट में हम लोग इंडिया चाइना रिलेशंस कर रहे हैं और इंडिया चाइना रिलेशंस में हमने पार्ट वन का एक वीडियो कर लिया है, पार्ट टू भी कर लिया है एंड दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ दिस सीरीज. सो दिस विल बी अ फोर पार्ट सीरीज मिनिमम और मैं यहाँ पर टाइम के ऊपर लिमिटेड नहीं रहूंगा. इन अदर वर्ड्स, जब तक मुझे लगेगा कि इट इज इम्पोर्टेंट, आई विल इंश्योर कि यू हैव कंप्लीट कवरेज ऑफ द इंटरनेशनल रिलेशंस का टॉपिक. So this is me, Dr. Siddharth Arora, and हम लोग इसी कॉन्टेक्स्ट को करते चले जाएंगे. आपको याद रखना है that we are on An Academy, the largest online learning platform in India. और ये largest online learning platform in India इसलिए है because we have the best of the best educators from all over India on one platform. तो वो पॉलिटी हो, चाहे गवर्नेंस हो, चाहे इंटरनेशनल रिलेशन हो, we are there for you till the last day of your preparation. तो बहुत सारे ऑफर्स है आपके लिए, जैसे ये है July 24, 2022 को, ओके 11 AM पर. इफ यू यूज द कोड सेड लाइक, यू कैन बी अ पार्ट ऑफ व्हाट इज कॉल्ड एज यूपीएससी सीएसई सुपर कॉम्बैट, जिसमें टॉप थ्री रैंकर्स को मिलेंगे नोट्स 2.0, 950 लकी एस्पिरेंट्स को मिलेगा अमेजोन गिफ्ट वाउचर्स वर्थ 10,000 ईच. सो एक स्कॉलरशिप पूल फ्रॉम 4 करोड़ प्लस, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन दिस पार्ट. ऑल्सो अगर आप इसी दौरान प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लोगे फॉर 1 ईयर एंड अबव फ्रॉम July 15th ऑनवर्ड्स और आपने कोड रेफरल कोड यूज किया SIDLIV, तो आप जब ऐप पर जाओगे या वेबसाइट पर जाओगे वहां एक स्पेस आएगा जहां पर लिखा होगा रेफरल कोड. आपने जैसे ही सेड लाइव कोड यूज किया, एक तो आपको ह्यूज डिस्काउंट मिल जाएगा, सेकेंड यू विल बिकम द पार्ट ऑफ द लार्जेस्ट टीम ऑन An Academy एंड यू विल गेट फ्री यूपीएससी सीएसई नोट्स 2.0. Comprehensive coverage for every topic, integration of UPSC mains, timeline and mind maps and contemporary issues all covered under this. So, हम लोग आपके लिए सब कुछ लेकर आ रहे हैं at a very reasonable prices. अगर आप CSE Assured program का part बनना चाहते हो तो we assure कि हम तुम्हारे साथ रहेंगे till you clear your UPSC exam. So, कभी भी ऐसा हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है. Alright, ऐसा ट्रेजेडी हो भी सकती है और होती ही है एट मेनी टाइम्स, ओके, कि कभी कभी हम जैसा चाहे वैसा ना रिजल्ट आए. सो वी हैव टू एक्सेप्ट दिस, राइट, कि ठीक है हमने मेहनत की, इट इज द टफेस्ट एग्जाम इन द वर्ल्ड, बट डज नॉट मीन दैट यू लीव योर एम या यू लीव योर ड्रीम. सो हमने ऑफर किया है आपके लिए फ्री 1 ईयर एक्सटेंशन ऑन योर 2 ईयर एंड अबव सब्सक्रिप्शन एंड यू विल गेट अ 20% ऑफ मोमेंट आपने कोड यूज किया सेड लाइव SIDLIVE. In other words, हम लास्ट डे तक आपका साथ निभाएंगे. You are a wise gang of students, my friends. Take a wise decision now. So, आप लोन फॉर UPSC सिविल सर्विस एग्जामिनेशन लेना चाहते हो, यू कैन गेट दिस ऑल्सो एट 0% EMI. सो An Academy सही मायनों में इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू. यू विल गेट वाइडेस्ट चॉइस ऑफ एजुकेटर्स, यू गेट फ्लेक्सिबिलिटी टू चेंज योर कोर्स, unlimited views on lectures, dedicated doubt solving sessions, printed comprehensive notes, end-to-end preparation, live mentorship, daily answer writing practice for mains. तो बहुत सारे लोग हैं जो होते हैं ना naysayers, होते हैं negative people, वो लोग बोलते थे कैसे produce करोगे result on an online medium. हमने ना सिर्फ एक बार, we have produced it 3 times one after another and we continue to do that. 170 से ज्यादा toppers आए 2020 में, 178 से ज्यादा टॉपर्स आए 2021 में. What are you waiting for? I don't know, but I'm sure you are a wise gang of students. Just use the code set like SIDLIVE, मेरा रेफरल कोड यूज करो. As I said, you will get a huge discount and I'll be very, very, very happy to teach you. So code use करो set live SIDLIVE and understand this. मैंने जब पार्ट वन में आज के वीडियो में तो पार्ट वन में जब समझाना स्टार्ट किया था, सो आई एक्सप्लेन पार्ट वन ऑफ द वीडियो. सो पार्ट वन ऑफ द वीडियो में मैंने सोचा कि इसको कैसे समझाया जाए. नाउ द सिचुएशन है इस कि इंडिया चाइना रिलेशंस कोई ऐसा तो है नहीं कि एक दिन का ही
आपने पता देना है, या कोई माइनर इशू तो है नहीं। आपके कोर्स में भी, इंटरनेशनल रिलेशंस में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो इंडिया चाइना रिलेशंस के लिए मैंने सब कुछ पढ़ा दिया, सो वी हैव एक्सप्लेन एवरीथिंग। तो कैसे पढ़ाएं सर? अब इसका रिलेशनशिप कहीं से भी स्टार्ट किया जा सकता था, एंशियंट यानी कि हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से स्टार्ट करके प्रेजेंट डे तक चले जा सकते थे, ये वाला भी एक तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि लेट्स गेट फ्रॉम वन फंक्शन टू अनदर। तो मैंने पार्ट वन ऑफ द वीडियो में और पार्ट वन ऑफ द सीरीज में इंडिया चाइना रिलेशन समझाया विद रिस्पेक्ट टू 1970s एंड 80s के रिलेशन, जबकि द सो कॉल्ड रिपेयर होने का शुरुआत हो रहा था। ओके, 1962 हमारे बीच में एक बहुत ही सैड टाइम पीरियड था, वेरी अनफॉर्चुनेटली, जब चाइना ने हमें धोखा दिया और द साइनो इंडियन वॉर हुआ, एंड फ्रॉम दैट पीरियड ऑनवर्ड्स द रिलेशनशिप वेंट साउथ, राइट। 1970s 1980s में राजीव गांधी साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर, एक्स प्राइम मिनिस्टर, वो गए चाइना और डेंग जियाओपिंग से मिले और एक नई शुरुआत हुई। सो दिस वॉज अनदर फेज। उस 1962 से पहले एक और फेज था, वो आइडियलिज्म का फेज था। क्या फेज था? आइडियलिज्म का फेज था, जिसको हम लोग पंचशील के फेस के टाइम के बात याद रह सकते हैं, नेहरूवियन पॉलिटिक्स की या नेहरूवियन पॉलिसी की बात करते हैं, वो आइडियलिज्म था। तब हमको ये नहीं समझ में आया कि हम चाइना को रीड कैसे करें, हम चाइना को रिएक्ट नहीं कर पाए। हमारा पूरा का पूरा थॉट प्रोसेस था पीसफुल को एग्जिस्टेंस का। और उसके बाद और चाइना का क्या था? चाइना का प्लान था एक्सपेंशनिस्ट। चाइना का ऑब्वियसली जब दोनों की अंडरलाइन पॉलिसीज एक दूसरे को क्लैश करेगी, सो इट इज बाउंड टू हैपन कि क्लैश होगा। हम लोगों ने कोई मिलिट्री प्रिपेयरनेस नहीं किया, हमने कभी भी चाइना को उस एग्जैक्ट रियल आई से देखा ही नहीं जो चाइना का थॉट प्रोसेस था। एंड 1962 में चाइना ने अनप्रोवोक्ड हमारे ऊपर वॉर कर दिया ऑन अक्टूबर 20th ऑफ 1962 और इलीगली ऑक्युपाई कर लिया थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ स्क्वायर किलोमीटर्स ऑफ एरिया इन द रीजन ऑफ लद्दाख एज वेल एज इन द रीजन ऑफ अरुणाचल प्रदेश। सो 1962 ऑनवर्ड्स हमें अब तो बिल्कुल ही एब्सोल्युटली बॉटम हो गया ना। तो कहते हैं ना जो पंचशील था तो वो जेनिथ था। Okay, zenith, all right. It was Panchil ke samay, it was the zenith of our foreign policy success. Or 1962 was the worst. Okay, matlab bilkul hi khatam hi ho gaya, pataal mein chale gaye hum log. To ye hamara dil ka bada major dhoka tha. Aur Nehruvian policy ka with regards to foreign policy, non-alignment. Ye sab hum log padhenge in series mein. Main tumhe sab kuch padhaunga. कि नॉन अलाइनमेंट क्या था, बांडो कॉन्फ्रेंस क्या था, कोलंबो पावर्स क्या थी, मैं सब कुछ धीरे धीरे करके पढ़ाऊंगा। इंटरनेशनल रिलेशंस में तुम्हें चिंता की जरूरत नहीं होगी। और ये पीरियड अब यहाँ से गिरे तो बिल्कुल यहाँ गिरे। और फिर 1970s में हमने कोशिश की कि कुछ हद तक रिपेयर होना स्टार्ट हो, और उस रिपेयर का प्रोसेस स्टार्ट हुआ हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी साहब का चाइनीज विजिट और विजिट टू चाइना इन 1989। और ये वहां का जब हम लोग इस उम्मीद में थे कि कुछ स्टेबिलिटी आ जाए विद आवर रिलेशनशिप विद चाइना, एंड देन ऑफ कोर्स वी आर एट द प्रेजेंट डे। मैं ये सारे फेजेस करूंगा कि क्या चेंजेस आए ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ वाजपेयी गवर्नमेंट, जब वाजपेयी जी सरकार चला रहे थे 1990s में, जब हमारा ये सिचुएशन था कि यूएसएसआर कोलैप्स हो चुका था, हमने अपना न्यूक्लियर टेस्ट किया था, फिर कारगिल वॉर 99 में हुआ, तब चाइना का क्या रिएक्शन था, वी विल स्टडी दैट आल्सो, एंड ऑफ कोर्स द प्रेजेंट डे और क्लोज टू द प्रेजेंट डे द गलवान वैली क्लैशेस एंड द लद्दाख स्टैंड ऑफ, एंड इनफैक्ट आज तक भी वो मैटर कंप्लीटली सेटल नहीं हुआ। सो वील गो फेज बाय फेज। और ये हमने स्टोरी स्टार्ट की विद द फल्क्रम अराउंड वांगीज दिल्ली विजिट। सो 28 मार्च 2022 के आसपास की ये न्यूज है, इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज है, सो आई एम कोटिंग फ्रॉम दैट। सो द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ चाइना विजिट्स इंडिया और उनका प्लान शायद ये
जो उनसे गलती हुई है, ऑब्वियसली चाइना से गलती हुई है, सो जो गलती हुई है और उससे रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड चाइना कोलैप्स कर गए, तो कैन वी स्टार्ट रिपेयरिंग फ्रॉम दैट? बट द ऑथर इन दिस सेज कि ठीक है, इट इज अ बिगिनिंग, बट इट इज स्टिल अ लॉन्ग 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 वे. यू अंडरस्टैंडिंग? बहुत सारे रीजन है, इंडिया को इग्नोर नहीं किया जा सकता. इंडिया इज अ मेजर वर्ल्ड पावर नाउ एंड ब्रिक्स कॉन्फ्रेंसेज आ रहे हैं. एवरीथिंग हैज टू बी वरीड अबाउट एंड आई एम श्योर चाइना थिंक्स इसको ठीक करेंगे. तो क्या वी आर गोइंग टूवर्ड्स एन एशियन सेंचुरी? व्हाट इज द पॉलिसी ऑफ काउंटर चाइना पॉलिसी? ये सब हमने पहले वीडियोस में कर लिया है. मैं एक बार तुम्हारे सामने से स्क्रोल कर रहा हूँ ताकि तुमको वो पूरा वीडियोस दिखते चले जाए जो हमने किया है, और अगर तुमने वो मिस किया है कृपा करके उनको दोबारा देख लीजिए. हमने रियल हिस्टोरिकल इश्यूज पढ़े, ग्रेट गेम पढ़ा, ब्रिटिश कॉलोनियल सिस्टम का विक्टिमाइजेशन हमारे ऊपर देखा, शिमला एकॉर्ड देखा, और हमने बहुत सारा कॉन्सेप्ट देखा विद रिगार्ड्स टू मैकमोहन लाइन. वी सॉ द फेलियर ऑफ पंचशील, वी सॉ चाइना गिविंग अस अ मेजर मेजर धोखा, एंड इंडिया गॉट अनअवेयर्स इन व्हाट इज कॉल्ड एज द हिमालयन ब्लंडर. तो दिस इज द हिमालयन ब्लंडर जिसमें द साइनो इंडियन वॉर ऑफ 1960, यहां पर हम लोग रुके थे लास्ट टाइम कि एक मेजर विश्वासघात हुआ हमारे साथ इन 1962. तो लेट अस अंडरस्टैंड दिस. और अगर तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि 1962 एक लास्ट ऐसा स्टेप था कि चाइना ने हम लोगों को धोखा दिया, नो. 1967 में चाइना ने ये अटेम्प्ट फिर से किया था, दिस टाइम इन द नाथुला सेक्टर इन सिक्किम, और उन्होंने भी बड़ा मेजर हम पर अटैक किया. अगर आप एक हिंदी मूवी देख सकते हैं तो दैट वाज अ मूवी अराउंड दैट टाइम. अराउंड दैट टाइम वाज अ मूवी कॉल्ड पल्टन. अगर आप देखोगे तो दैट मूवी इज प्लेस्ड अराउंड दैट टाइम जब फिर से चाइना ने सेम कोशिश की, बट द पॉइंट वाज दिस टाइम इंडियन आर्मी वाज फार बेटर प्रिपेयर्ड एंड फार मोर पॉलिटिकली सपोर्टेड, और उन्होंने उसको रिटेलिएट किया. लेकिन ये स्टोरी खत्म नहीं हुई है. 1963 में एक नया एक्सिस बनना स्टार्ट हुआ और वो था द चाइना पाकिस्तान एक्सिस. तो प्रॉब्लम सर बहुत दूर दूर तक जा रही है. अब तुम नोटिस करते जा रहे हो कि ये कनेक्शन बहुत दूर तक तुम्हें साथ निभाने वाले. तो 1963 जो था उसमें पाकिस्तान ने एक और हेडेक कर दिया. व्हाट इज अ हेडेक? पाकिस्तान ने, सो दिस इज अक्साई चिन, ओके, पाकिस्तान ने हमारा एरिया, इंडिया का पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जिसको शाक्सगाम वैली बोलते हैं, वो शाक्सगाम वैली उठाकर चाइना को सीड कर दी. ये क्या बात है? सो पाकिस्तान थॉट कि 1962 के बाद इंडिया हो गया है वीक और इंडिया हैज फेस अ मिलिट्री डिफीट एट द हैंड्स ऑफ चाइना, और पाकिस्तान ने सोचा क्यों ना हम इनसे दोस्ती कर लेते हैं और फिर मिलके इंडिया के ऊपर अटैक करेंगे या इंडिया को प्रेशराइज करेंगे. ये जानते नहीं इंडियंस को, ये ऐसा ना हो नहीं सकता कि तुम लोग मिलना है मिल जाओ कोई बात नहीं, लेकिन कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा. तो ये लोग मिल गए कोई बात नहीं. इन्होंने 1963 में हमारा ये एरिया पाकिस्तान का, पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया और ये हमारा है. तो इन अदर वर्ड्स आज देखा जाए तो 1962 में, अगर तुम इसको इसको कनेक्ट कर पाओ तो तुम लोग बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे. So the connection here is, just one second, the connection here is, कि हमारा कश्मीर के पार्ट का, हमारे कश्मीर के पार्ट का ये एरिया हमारा है, इंडिया का है, ओके, ये पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया, ओहो, ये एरिया भी हमारा है, ये लद्दाख का एरिया, ये भी हमारा है, ये वो रीजन है जिसको कि चाइना ने इलीगली ऑक्यूपाई किया इन द 1962 वॉर. ये चाइना ने इलीगली ऑक्यूपाई किया,
ये भी हमारा है ओके। और ये वाला एरिया जो है ये वाला जो एरिया ये भी हमारा है ओके। ये भी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है और ये एरिया भी इंडिया का ही है। और ये इन लोगों ने 1947-48 वॉर में, जिसे फर्स्ट कश्मीर वॉर बोलते हैं, फिर से इलीगली ऑक्यूपाई किया। तो ये भी पाकिस्तान ने इलीगली ऑक्यूपाई किया है, ये इलीगली सीड कर दिया है। क्या कर दिया है? सीड कर दिया। और ये चाइना ने इलीगली सीड किया। तो ये सारा हमारा है ओके। लेकिन इन लोगों ने हमारे साथ इस कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख के पार्ट को इन्होंने इलीगली ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है। नेवर माइंड, इनका भी टाइम आएगा, दैट्स अ डिफरेंट इशू। सो ये 1963 में हुआ। इन अदर वर्ड्स, हमारे पास एक और एक्सिस का ख्याल आने लग गया, दैट वाज चाइना पाकिस्तान एक्सिस। सो यहां पर सिचुएशन खत्म हो रही है ऑफ 1963। सो लेट अस अंडरस्टैंड कि यहां तक तो फेज बहुत ही खराब होता जा रहा है। यस, तो अगर मैं इसको डिवाइड करते हुए चलूं, तो मैंने यहां पर देखा, ऐसे ग्राफ ऐसे बनाते जा रहा है, तो ये अच्छा लग रहा है ग्राफ। कैसे? पंचशील ओके, हिंदी चीनी भाई भाई ओके, ये सब अच्छे लग रहा है सर। हिंदी चीनी भाई भाई यस ऑलराइट, ये अच्छा टाइम चल रहा है ओके। तो तुम्हें देखा होगा यहां से हमारे रिलेशनशिप अच्छे चल रहे थे ओके। फिर रिलेशनशिप फिर खराब होने लग गए। कैसे खराब होने लग गए? जब टिबेट का कॉन्फ्लिक्ट आया और राधा दलाई लामा साहब को हमने शरण दी, तो हमारे रिलेशनशिप थोड़े से खराब होने लग गए। फिर रिलेशनशिप बिल्कुल ही खत्म हो गए। कहाँ चले गए? वो ये तो जाते जा रहे कहाँ चले गए? बिल्कुल गए। 1962 वॉर में के बाद इट वेंट बैड यस। उसी के साथ साथ 1967 में नाथुला में कॉन्फ्लिक्ट हुआ, वो भी बैड। शाक्सगाम वैली बैड, चाइना पाकिस्तान एक्सिस बैड। समय आ गया है कि थोड़ा बहुत इसको सुधारने की उम्मीद है क्या, देखते हैं। तो ग्राफ थोड़ा सा उठाने की कोशिश की जा रही है और हम उसी फेस को बोलेंगे ब्रेक थ्रू। तो मैं जो तुम्हें पढ़ा रहा हूँ वो ब्रेक थ्रू के फॉर्म में पढ़ा रहा हूँ ओके। सो ये जो ब्रेक थ्रू है 1967 वॉर के, 1967 कॉन्फ्लिक्ट, शाक्सगाम, ये सब के बाद, चाइना पाकिस्तान एक्सिस के बाद हमारे पास एक विजिट आई। ये तो ट्रिब्यून में एक बहुत अच्छी न्यूज आई थी, तो तुम इसको देख सकते हो। तो ये नटवर सिंह साहब है, उनकी डायरी के एक्चुअली थोड़े से पार्ट्स को ही ट्रिब्यून में डाला गया था। सो वेरी नाइस रिपोर्ट। सो राजीव मीटिंग विद डेंग ज़ियाओपिंग। तो ये लैंग्वेज थोड़ी इनफॉर्मल इसलिए है क्योंकि ये नटवर सिंह साहब जो है ये इनके खुद के मेमोर्स में से निकला हुआ है। सो डेंग ज़ियाओपिंग एंड राजीव गांधी इन पीकिंग, जिसको आजकल बीजिंग बोलते हैं, इन 1988। सो यहाँ लिखा है मच एक्साइटमेंट इन द इंडियन डेलीगेशन मीटिंग विद डेंग ज़ियाओपिंग फिक्स एट 10:30 AM एट द ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल। न्यूज़पेपर पढ़ना सीखो, ट्राई एंड अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट ओके। रटने वटाने के टाइम नहीं होता, यू मस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट सो दैट यू अब्सॉर्ब कि हो क्या रहा है। सो डेंग अपीयर्ड वेयरिंग अ ग्रे माउस सूट, हिज ओपनिंग वर्ड्स वर आई वेलकम यू माय यंग फ्रेंड, दिस इज योर फर्स्ट जर्नी टू चाइना। सो द डेंग राजीव हैंडशेक lasted quite a while. It signaled that Deng wanted Indian Prime Minister visit to succeed. Symbols and messages in China more than in any other country. Had the Shengbin been a functionary one, the visit would have collapsed then and there. I met your grandfather and your mother when they visited China in 1944. I was then the General Secretary. In other words, ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है that China और इंडिया के रिलेशनशिप में कुछ हद तक इंप्रूवमेंट होने का चांस लग रहा है ओके। ऐसा लग रहा है, मुझे नहीं पता, ये तो मैं तो तुम्हारे साथ साथ ही पढ़ रहा हूँ। तो जैसे जैसे न्यूज हो गई, तो मैं तो ट्रिब्यून न्यूज़पेपर में से एक में न्यूज पढ़ रहा हूँ और अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ते कैसे। सो वी आर ट्राइंग टू इम्प्रूव द रिलेशन। तो अब ये जो IR तुम पढ़ोगे, ये सिर्फ तुम्हारे प्रीलिम्स में भी नहीं काम आएगा, ये तुम्हारे मेंस में भी काम आएगा, और अगर तुमने ऑप्शन लिया तो भी तुम्हें एटलीस्ट एक जनरल पिक्चर तो समझ में आ जाएगी। सो ये वो मीटिंग थी जिसके बारे में था, हिंदुस्तान टाइम्स में भी इसको कवर किया हुआ है, बिकॉज दिस वॉज अ वेरी उम्मीद वाला दिन। उम्मीद आ गई ओके। उम्मीद क्या है? वी आर होपफुल दैट थिंग्स विल इम्प्रूव, एंड ये हिंदुस्तान टाइम्स में एक न्यूज पेपर आया। सो
मैं कोई भी चीज बता रहा हूँ, मैं तुम्हें कोई भी चीज फ्रॉम अपनी नॉलेज से नहीं बता रहा, मुझे कुछ भी नहीं आता. ओके, सो वी आर ओनली गोइंग टू रिलाई ऑन ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट, वी आर ओनली गोइंग टू रिलाई ऑन सब्सटेंशिएटेड एडिटोरियल्स, आर्टिकल्स, बुक्स, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ. तो वक्त बदल रहा है ऐसा लगा मुझे, तुम्हें भी लग रहा होगा. हाँ, वक्त लग रहा है कि नाउ द फेज इज चेंजिंग, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं, क्योंकि 1990s तक आते आते हमें बहुत सारे ऐसे इवेंट्स दिखे जो कि हमें बिल्कुल नहीं अच्छे लगे. वन अमंग्स देम वाज जैसे हम लोग को 1962 वॉर में चाइना ने धोखा दिया था. मैं इसको इंडिया पाकिस्तान रिलेशन के टाइम पे ज्यादा डिटेल में करूंगा, लेकिन कारगिल वॉर ऑफ 1999 वाज अ सिमिलर थिंग जिसमें पाकिस्तान ने हमको बैक स्टैब किया. सो कारगिल, द्रास, बटालिक सेक्टर, द्रास, बटालिक सेक्टर, मस्को वैली, ये सारे रीजन में हमको एक दिन नोटिस होने लग गया कि एक एक अनरिटन अंडरस्टैंडिंग थी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तानी आर्मी कि बिकॉज ये बहुत हाई ऑल्टीट्यूड रीजन्स है, यहाँ पर विंटर्स में बहुत सीवियर 0 से सीवियर -20 -30 टेम्परेचर्स होते हैं, जहां पर ह्यूमन सर्वाइवल आमतौर पे नहीं हो सकता. तो एक अनरिटन अंडरस्टैंडिंग थी कि ड्यूरिंग विंटर्स सब लोग वो हाई ऑल्टीट्यूड बेसिस को दोनों आर्मीज वेकेट करेगी और लोअर ऑल्टीट्यूड रीजन्स पर जाकर, बेसिस पर जाकर सेटल कर जाएंगे ड्यूरिंग विंटर्स, एंड समर्स में आते जैसे जैसे बर्फ पिघलने लग जाएगी, वी विल कम एंड रीऑक्यूपाई दिस. ये एक अनरिटन अंडरस्टैंडिंग थी और जुबान की बात थी, लेकिन पाकिस्तान ने फिर धोखा दिया एंड पाकिस्तानी आर्मी ने ड्यूरिंग विंटर्स ही अपने ही नॉर्दर्न आर्मी को यूज करके और उनको सो कॉल्ड ऐसे कपड़े पहना दिए कि वो सिविलियंस लगे, और ऐसा बोला गया कि ये टेररिस्ट लोग जो है इन लोगों ने इन बेसिस को ऑक्यूपाई कर लिया और इन बंकर्स को ऑक्यूपाई कर लिया इवन टूवर्ड्स द इंडियन साइड, जो कि ऑब्वियसली सबसे बड़ा झूठ था बिकॉज दे वर बीइंग कंटिन्यूअसली सपोर्टेड बाय देयर आर्टिलरी, दे वर बीइंग कंटिन्यूअसली सपोर्टेड बाय द सप्लाई चेन्स. लेकिन फिर ये इंडियन आर्मी है, वो करके दिखाया इंडियन आर्मी ने, जो बड़ी बड़ी फौजें सोच भी ना सकती थी. तो पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड सोच रहा था कि यार ये क्या ऐसे कैसे स्पेस कैसे खाली करेंगे, ये तो इतने हाइट पे बंकर्स हैं, लेकिन फिर वो इंडियन आर्मी है. और ये फोटोग्राफ, ऐसी बहुत सारी फोटोग्राफ्स तुमको सबूत देती है कि जो इंडियन आर्मी है उसने जब मन बना लिया फिर इट इज इम्पॉसिबल फॉर द एनिमी टू स्टे. सो हमने उसको रीऑक्यूपाई किया, लेकिन जो हमें बुरा लगा, हमें बुरा ये लगा कि लड़ना तो हमने था. लेकिन कहते हैं ना कि क्राइसिस में पता चल जाता है, जब कठिनाई आती है ना तब समझ में आ जाता है कि कौन दोस्त है, कौन दुश्मन है, कौन टाइम पास है, कौन एवं बातें कर रहा है एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ. सो द एंटायर सिचुएशन वॉज कि हमको ऐसा लगा और ऐसी उम्मीद थी कि पाकिस्तान ने जो किया था वो दैट वाज मच मच सैड, ये तो बड़ा धोखे वाली बात थी. लेकिन हम लोगों ने सोचा कि चाइना ने कम से कम कुछ तो बोलना चाहिए था, चाइना ने कुछ भी नहीं किया, चाइना रिमेन न्यूट्रल. ओ, चाइना ने एक वर्ड नहीं बोला, विच वॉज अ वेरी सैड थिंग, एंड दैट एक्चुअली वॉज कि नहीं यार दिस वॉज नॉट एक्सपेक्टेड आउट ऑफ चाइना. सो हम लोग को जो लगा था, सो आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन थिंग्स टू यू ताकि द पिक्चर बिकम्स वेरी वेरी क्लियर इन टू योर माइंड एंड यू अंडरस्टैंड हाउ टू राइट एन आंसर. ऑल्सो 1998 टू 2002 को हम लोग न्यूक्लियर विंटर इन टर्म्स ऑफ इंडिया चाइना रिलेशनशिप भी बोल सकते हैं. तो ये भी हिंदुस्तान टाइम्स का ही ऑब्जर्वेशन है. इट सेज दैट इंडिया न्यूक्लियर टेस्ट इन 1998 एंड न्यू दिल्लीज एडमिशन दैट द टेस्ट वर पार्टली ड्रिवन बाय कंसर्न्स अबाउट चाइनाज मिलिट्री कैपेबिलिटीज, ये बीजिंग को यानी कि चाइना को रास नहीं आया. तो चाइना एक्चुअली ज्वाइंड अदर कंट्रीज इन इम्पोजिंग सैंक्शंस इन इंडिया, बट चाइना को इतना मेजर धोखा हुआ और चाइना को पता चला कि इंडिया को इग्नोर नहीं किया जा सकता. आप ये इंडिया 1950s 1960s का नहीं था,
बिकॉज यूएस जो कि लीड कर रहा था सैंक्शंस अगेंस्ट इंडिया, वो ही यूएस ने सबसे पहले यू टर्न किया और उल्टा इंडिया को वू करने लगा, बिकॉज इंडिया तब तक एलपीजी बजट बना चुका था, इंडिया तब तक एक ह्यूज मार्केट के लिए रेडी हो चुका था, इंडिया तब एक ग्लोबल सुपर पावर होने के लिए रेडी हो गया था। सो द कॉन्टेक्स्ट वाज कि इंडिया ने बहुत क्लियरली मेंशन कर दिया था कि हमें सबसे ज्यादा खतरा चाइना से ही है, बिकॉज चाइना न्यूक्लियर केपेबल था और चाइना क्लैंडेस्टिनली पाकिस्तान को हेल्प कर रहा था, ये हमको पहले ही मालूम था। और क्या होता है ना, वी कॉल्ड स्पेड अ स्पेड एंड वी एक्चुअली सेड दैट न्यू दिल्ली सेड दैट चाइना इज अ न्यूक्लियर थ्रेट टू इंडिया। सो द कॉन्टेक्स्ट वाज ये दोनों कारगिल वॉर, ओके, और ये दोनों ही कारगिल वॉर द सिचुएशन वाज वेरी वेरी अनकंफर्टेबल फॉर बोथ ऑफ देम। ये वो बड़ा दिन था, तो ये मैंने डेली वो से निकाला है, तो तुम नोटिस कर रहे हो कि कैसे पढ़ना होता है, फ्रॉम अथॉरिटेटिव सोर्सेस तुम्हें पढ़ना होता है। सो 1998 में ये बड़ा दिन था जब हमने फैसला किया कि बहुत हो गया, राइट, हमारे पास भी डेटरेंस पावर होनी चाहिए, हम इसको ऑफेंसिवली नहीं यूज करेंगे लेकिन हमारे पास भी डेटरेंस पावर होनी चाहिए, और उस डेटरेंस पावर के लिए हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी साहब ने ये फैसला किया कि बहुत हो गया जी, अब वी विल एंश्योर दैट हमें किसी के भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल में नहीं आना, वी शुड बी रेडी विद आवर ओन न्यूक्लियर वेपन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये हमारा सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट था, बट जो फर्स्ट वाला था वॉज द सिविल न्यूक्लियर टेस्ट जो 1974 में हुआ था। सो दिस वॉज द वन जब हमने न्यूक्लियर डेटरेंस एज अ वेपन टेस्ट किया था, जो कि पूरे दुनिया को ऐसा हो गया कि अब दे कैन नॉट टेक अस लाइटली। सो दिस वॉज अ ब्रांड ग्रैंड ग्रैंड फेस। तो अभी तक आपने क्या क्या कर लिया, अब हमने कर लिया 1960s, अब तुम लोगों को रियलाइज होता जाएगा कि पढ़ना कैसे होता है। सो अब मैं एक एक फेज में चलता गया। सो मैंने 1950s का फेज देखा, बहुत ही सर आइडियलिज्म फेज था, आइडियलिज्म का फेज। फिर हमने 1960s का फेज देखा, हाँ 1960s का फेज देखा, सर बिल्कुल ही धोखा हो गया, ओके, तो वॉर हो गया, फिर 1967 का नाथुला कॉन्फ्लिक्ट हो गया, पाकिस्तान के साथ इनका एक्सेस बनने लग गया, और ये सब 1970s में चलता गया। 1970s तक आते आते चाइना खुद थोड़ा बहुत इंप्रूव करने लग गया इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक पावर, जो भी मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूँ कि डेंग जियाओपिंग ने एक सो कॉल्ड फॉर्मूला बताया था जिसको बोला जाता है ताओ वांग यांग हुई, ओके, इन अदर वर्ड्स ले लो, ओके, जितना था जस्ट जस्ट स्टे डाउन टिल्स दैट टाइम दैट यू आर रियली एम्पावर्ड। 1980s में विद द विजिट ऑफ एक्स प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी साहब टू चाइना, ये थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट का चांस हुआ, लेकिन 1990s में अगेन वन बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर टेस्ट एंड वन बिकॉज ऑफ कारगिल वॉर, ओके, अगेन देयर वर डाउट्स इन द एंटायर पिक्चर। यहां तक पिक्चर आई होप सबको क्लियर है, ऐसे पढ़ते जाओगे तुम्हें एकदम स्टोरी क्लियर होती चली जाएगी। सो दिस इज हाउ यू स्टडी इंटरनेशनल रिलेशंस, और ऐसे पढ़ोगे तो तुम्हें कभी भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अगला फेज क्या होगा, अब तो सब अच्छा लगने लग गया होगा, कुछ अच्छा लगने नहीं लग गया, तो एक झूठ वाला फीलिंग होता है, उसे बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसे, बोलते हैं मृग तृष्णा, मिराज, यस। तो हमको ऐसा लगा कि सब कुछ सुधर जाएगा, ओके, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बट हमारा तो हमेशा एक कॉन्सेप्ट पीसफुल कोएग्जिस्टेंस का था, और वाजपेयी साहब तो खासकर इन सारी चीजों में बहुत मानते थे कि पीस होना चाहिए, वो हमेशा बोलते थे कि दोस्त बदले जा सकते हैं, नेबर्स नहीं बदले जा सकते, द नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, और उसी बेसिस पे उन्होंने लाहौर बस यात्रा भी की थी जिसका धोखा दिया था पाकिस्तान ने, लेकिन ही सेड नो वी विल हैव टू एंश्योर कि चाइना के साथ भी वी विल ट्राई एंड मेंटेन सम काइंड ऑफ पीसफुल एडजस्टमेंट। तो वो पहुंचे बीजिंग ऑन अ स्टेट विजिट, और इसका कुछ तो फायदा हुआ,
In other words, 2004 में okay, Beijing gives up the claims on Sikkim. 2006 में ऐसा लगने लगा, पता नहीं ऐसे क्या सब कुछ ही ठीक लगने लगा कि कुछ तो यहाँ पर इम्प्रूवमेंट होगा. ओके okay, ऐसा लगने लगा कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा. इतना भी बात होने लग गई कि चाइना सेड टू एटलीस्ट हिंट्स तो आने लग गए थे दैट दे मे सपोर्ट अस. और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल्स में पढ़ रहा है, सो यू कैन ऑलवेज से दिस. ओके, द नाथुला पास जो कि बंद था सिक्किम में, उसको रीओपन कर लिया गया. लेकिन हमारा हमें बाद में पता चला कि बेखुदी बेसबब नहीं है गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है. बेखुदी बेसबब नहीं है गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है. कि चाइना ये इतना प्यार मोहब्बत दिखा क्यों रहा है? चाइना इसलिए प्यार मोहब्बत दिखा रहा है बिकॉज चाइना वॉज काइंड ऑफ वरिड कि यूनाइटेड स्टेट्स इंडिया के साथ कोई स्ट्रैटेजिक अलायंस तो नहीं कर रहा. So in a way, China was more worried about US coming into the picture and dominating the Asian sphere rather than China being in love with India. तो बेखुदी बेसबब नहीं है गालिब, तो ये कुछ अलग ही कहानी थी. And in other words, ये इसलिए ज्यादा टाइम चला नहीं, it was a false dawn. तो हमको ऐसे उम्मीद थी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ये चाइना को समझना बड़ा मुश्किल है. Because as I told you, the entire situation in counter-China policy is not going to be successful till you understand the working dynamics of China. China ke man mein expansionist plans hai, and that is why hum hamesha ye sochte hain. Aur hum log hamesha kya sochte hain? Hum log, chahe hum Gandhian ko thought process ko notice kare, chahe Panchsheel dekhe, chahe Vajpayee sahab ka dekhe. हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं पीसफुल कोएग्जिस्टेंस की, लेकिन द एंटायर सिचुएशन इज कि चाइना जब एक थॉट प्रोसेस इस साइड है, एक थॉट प्रोसेस इस साइड है, इन अदर वर्ड्स ये डाइवर्जेंट है. तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि कॉन्फ्लिक्ट होना तो बनता है, एंड दैट इज व्हाई 2006 कितने फेजेस आएंगे. तो मैंने तुम्हें इसलिए बोला था कि इंडिया चाइना रिलेशंस को कैसे तुम इतनी जल्दी जल्दी पढ़ सकते हो, इट विल नॉट मेक सेंस. तो अब इसके बाद क्या फेज आया? सो 2003 टू 2006 वेरी फॉल्स डॉन टाइम पीरियड था. ओके, ऐसा लगा हमको, उम्मीदें बन गई, लेकिन फिर भी नेक्स्ट फेज है. तो हम लोग फिर से एक बार पिकअप कर लेते हैं. 1950s गुड, 1960s वेरी बैड, वेरी बैड. 1970s स्टिल वेरी बैड, यस. 1980s थोड़ा सा इंप्रूवमेंट का चांस विद द विजिट ऑफ एक्स प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी साहब, यस. 1990s ना थोड़ा सा शक की है, ओके. इनफैक्ट थोड़ा सा खराब ही हुआ, सैंक्शंस कट हुआ, न्यूक्लियर हुआ, ओके, कारगिल वॉर हुआ. 2000 ऑनवर्ड्स एटलीस्ट टिल 2006 थोड़ी ऐसा उम्मीद है, देखो टिक 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 टिक, ये क्या हो गया, मिथ्या है ना. ओके okay. लग रहा था कि ये इंप्रूव हो रहा है, बट ये इंप्रूव हो नहीं रहा था. ऑलराइट, सो वी थॉट कि ये इंप्रूव होगा, फिर अचानक यू टर्न देखा. 2007 टू 2010 अचानक ही दुनिया जैसे होते ना, क्या हो गया यार, कल तक तो तुम और कुछ थे, बदले बदले दिख रहे हो. तो ये पूरा का पूरा सिनेरियो चेंज हो गया विद रिगार्ड्स टू 2007 टू 2010. सो 2007 टू 2010 हमने देखा कि ये तो पूरा का पूरा सीन ही चेंज होता जा रहा है. तो अब क्या हो गया, अब हमको दिखाई दिया कि अचानक इनको पुराने दिन याद आ गए. बोले आ कैसी बात कर रहे हो, अरुणाचल प्रदेश हमारा है यार, ये तो सुधर गए थे ना. ये लोग बोले ये तो अरुणाचल प्रदेश हमारा है. एंड द कॉन्टेक्स्ट हियर इज, उन्होंने खुद ऐसे ऐसे कॉन्टेक्स्ट बोला दैट चाइना बोलता है कि दैट तुम्हें चाइनीज सिटीजन होने के नाते यू डोंट नीड अ वीजा इन 2007. ये कैसी बातें कर रहे हो, और पहली बार ही नहीं, वो अब तो चाइनीज अम्बेसडर वर्ड यूज करने लग गया, जो मैंने तुम्हें पहले भी पढ़ाया था कि चाइना रिजेक्ट्स द मैकमोहन लाइन एंड चाइना रेफर्स टू अरुणाचल प्रदेश एज द साउथ टिबेट रीजन. तो ये बहुत ही ऑड होने लगे इनके, ये देखो ये पूरा ही पलट गए. सो साउथ टिबेट
बोलने लग गए, इन अदर वर्ड्स दे आर नो लॉन्गर रिकॉग्नाइजिंग द मैकमोहन लाइन। और हमारे प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह साहब अरुणाचल प्रदेश गए तो बीजिंग यानी कि चाइना ने बोला कैसे गए, ओके, इन अदर वर्ड्स दैट ही सेज दैट ये हमारा एरिया। नाउ आई डोंट अंडरस्टैंड ये हो क्या गया, अचानक दे स्टार्ट गिविंग स्टेपलिंग वीजाज ऑफ इंडियन कश्मीरीज टू द पासपोर्ट्स, राइट, इन अदर वर्ड्स दे वर कंप्लीटली सपोर्ट, दे कंप्लीटली स्टार्टेड सपोर्टिंग पाकिस्तान। तो इंडिया ऑल्सो वॉन्ट्स दैट वी विल ऑल्सो चेंज द पॉलिसी ऑन टिबेट, अगर तुमने ऐसा किया तो वी आर ऑल्सो नॉट गोइंग टू बी फार बिहाइंड। तो चाइना थोड़ा सा घबरा गया और उसने वीजा पॉलिसी बंद कर दी। सो मल्टीपल थिंग्स अचानक 2007 टू 2010 में ये पिक्चर क्लियर हो गई। नाउ यहाँ पर मुझे एक क्वेश्चन याद आया एंड आई थिंक वी शुड एक्सप्लेन दिस टू यू। तो इस पे एक क्वेश्चन आ सकता तुमको कि मैकमोहन लाइन और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में फर्क क्या है। नाउ दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट। सो हमारे और चाइना के बीच में जो बॉर्डर है, ओके, वो एक्सेप्टेड ऑर्डर बॉर्डर नहीं है। इन अदर वर्ड्स, जब 1962 का वॉर हुआ, सो 1962 वॉर में देयर वाज अ कॉन्फ्लिक्ट, ऑलराइट, हमें वो बॉर्डर जिसको हम लोग बोलते हैं कि वो इंडिया चाइना बॉर्डर है, ओके, जो इंडिया चाइना बॉर्डर है वो लद्दाख में भी है और वही इंडिया चाइना बॉर्डर जो कि शिमला एकॉर्ड से ऑल द वे टिल द नॉर्थ ईस्ट और टिल अरुणाचल प्रदेश था, हम उसी को मानते थे एज मैकमोहन लाइन। चाइना इस मैकमोहन लाइन को एक्सेप्ट नहीं करता। तुम्हें ये याद होगा कि हम चाइना बोलता है कि अरे शिमला एकॉर्ड के तो हम पार्ट ही नहीं थे, तुमने बोला ये सही है, तुम इसको एक्सेप्ट नहीं करते। तो चाइना ने यूनिलैटरली इस बॉर्डर को चेंज कर दिया। कैसे चेंज कर दिया? 1962 में उन्होंने हमें धोखा दिया एंड उन्होंने हम लोगों के ऊपर अटैक कर दिया और जहां उन्होंने हम पर अटैक किया वो इलीगली ऑक्यूपाई करने लग गए थाउजेंड्स ऑफ स्क्वायर किलोमीटर्स ऑफ आवर एरिया। अक्टूबर 20th ऑफ 1962 को उन्होंने वॉर करना स्टार्ट किया, चाइना ने इंडिया पे अटैक किया और November 20th, 1962 को वो लोग रुक गए, खुद ही रुक गए। इसको बोलते हैं यूनिलैटरल सीजफायर। ध्यान से सुनना मैं जो बोल रहा हूं, जहां आकर चाइनीज मिलिट्री रुक गई, वो पॉइंट या वो लाइन अब कहलाती है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, LAC। इसको समझना बड़ा जरूरी है कि LAC इंडिया और चाइना का डिफैक्टो बॉर्डर है, इट इज नॉट एन म्यूचुअली एक्सेप्टेड बॉर्डर बिकॉज इंडिया ऑब्वियसली इस बॉर्डर को एक्सेप्ट नहीं करता, इंडिया ऑब्वियसली इस बॉर्डर को एक्सेप्ट करता था, चाइना उसको नहीं एक्सेप्ट करता था, ये चाइना ने क्रिएट करके रख लिया। इन अदर वर्ड्स ये हमारे तरफ से एक्सेप्टेड नहीं है। नाउ एज कंपेयर टू दिस इंडिया और पाकिस्तान के बीच में LOC है। बेटा ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ऐसे पढ़ते हैं IR। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में LOC है, लाइन ऑफ कंट्रोल है। तो जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वो एक्सेप्टेड है, इन अदर वर्ड्स वो एग्रीमेंट बेस्ड है। तो वो हमने एग्रीमेंट किया, शिमला एग्रीमेंट हुआ 1972 में यानी कि बांग्लादेश वॉर के बाद, तो उसके बाद जो वॉर हुआ और वो जो एक्सेप्टेंस हुआ उसे LOC बोलते हैं। ये हमारे लिए एक्सेप्टेड बॉर्डर नहीं है, दिस इज द बॉर्डर दैट हैज बीन मेड बाय मिलिट्री एक्शन बाय चाइना। सो वेरी इंपॉर्टेंट कि ये दो अलग अलग सिचुएशन है। ये वो वाली लाइन थी जो 1914 में थी, ये वो वाली लाइन है जो इफेक्टिव बॉर्डर है, ये वो वाला बॉर्डर है जो 1962 में इन्होंने क्रिएट किया है, ये म्यूचुअली एग्रीड नहीं है। सो दिस इज टू बी अंडरस्टूड और दैट इज द रीजन मैंने यहाँ पर बात बताई थी कि ये लोग मैकमोहन लाइन को मानते नहीं और ये लोग उसको साउथ टिबेट बोलते हैं। सो ये हो गया 2007 टू 2010।
पूरा का पूरा पूरा का पूरा माहौल चेंज हो गया, सारे के सारे खेल ही चेंज होता जा रहा है। सो 2006 तक जो था वो एक फॉल्स डॉन था, वो था यार लग रहा है कि कुछ कुछ ठीक ठाक हो रहा है, लेकिन ये लोग सुधरे नहीं थे। और 2007 टू 2010 फिर से एक बुरा हाल हो गया और एक और फेज, मतलब कैसे कैसे पढ़ना पड़ता है, एक को कितने फेजेस हो गए। सो वन फाइनली 1950s onwards, okay, good, 1960s onwards, bad, 1970s also bad, ये तो bad ही हो गया यार, bad, 1980s, थोड़ा बहुत chance of improvement, 1990s, ठीक ठाक ही है, okay, but ज्यादातर bad, okay, और 2000s, at least till 2006, लग तो ऐसा रहा है कि सुधर रहा है, बट बेखुदी बेसबब नहीं है गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। 2007 और 2010 लो ये ग्राफ फिर गिर गया। आई होप एवरीवन इज नाउ अंडरस्टैंडिंग, तो सबको समझ में आ रहा है सब्जेक्ट पढ़ना कैसे होता है, तुम्हारे सामने बिल्कुल पिक्चर क्लियर होती जाएगी जैसे जैसे तुमको देखा जाएगा। इसलिए इस सीरीज का नाम है कंप्लीट कवरेज ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, ऐसे पढ़ते हैं सब्जेक्ट को। अब क्या सुधर गया, 2010 टू 2018 हमने कुछ कुछ चीजें चेंज होते हुए देखी, ऑलराइट। अचानक हमको नोटिस किया कि ये चाइना तो चाइना जैसी बातें, कुछ अलग से बातें करने लगा। इन अदर वर्ड्स दैट अब हमको इनके साथ बड़ा मच्योरली बिहेव करना पड़ेगा, मतलब हम पूरी तरह से नाराजगी से भी नहीं करना और हमको व्हाट इज कॉल्ड इज कुछ हद तक बेटर भी करना। तो वी वर नॉट टॉकिंग ऑल्सो, we were now dealing also with them, we were preparing with them, preparing for any misadventure by Beijing also, we were making diplomatic control also, in other words ki hum unke sath kaam bhi kar rahe the, or the situation was in all ki ye India dheere dheere badal raha tha, especially after the arrival of Narendra Modi sahab as the prime minister, achanak India started working on border roads, achanak India started working on more and more international combinations and international alliances, so as to tell China ki ye 1962 wala India nahi hai, but Ladakh mein, western border areas mein humko bahut baar aisa dikha ki bilateral relationship abhi sudharne wali situation pe nahi, of course it will be now dealt by the present day scenario and especially with border dispute. So, India-China relationship ka jo crux hai, jo India-China relationship ka jo major crux hai, wo is around border disputes. So, pehle border dispute settle karenge aur phir India-China relationship sudhar jayega. Pehle India-China relationship sudharega, phir border disputes apne aap settle ho jayenge. चिकन एंड एग, ओके, मुर्गी पहले कि अंडा पहले, दिस इज द प्रॉब्लम, द डायलेमा हियर इज व्हाट कम्स फर्स्ट, शुड वी फर्स्ट सेटल बॉर्डर डिस्प्यूट्स एंड देन ऑटोमेटिकली इंडिया चाइना रिलेशन विल इंप्रूव, और फर्स्ट इंडिया चाइना रिलेशनशिप मस्ट इंप्रूव, उसके बाद ये बॉर्डर डिस्प्यूट सॉल्व हो सकता है, और ऐसे क्वेश्चन का आंसर देना आसान नहीं होता। हेंस पहले हम पढ़ेंगे बॉर्डर डिस्प्यूट्स in detail, then and finally we will come to see ki are there any other disputes, what is the present Narendra Modi government doing about it, what is post Ladakh standoff situation, and then we'll try and understand ki kaise solve karenge India China relation. Aise padhte hain subject ko and ye continue karenge hum next video mein. So maine tumko bahut dur tak, kafi dur ki kahani ho gayi, pata nahi ये भूली दास्तान जो फिर याद आ गई, तो मैं कितना दूर तक ले आया तुम लोगों को, और अब तुम्हें पता चला होगा कि पढ़ना कैसे होता है। तो टाइम पास से आईआर नहीं होता, ओके, सिर्फ ऐसे बैठे बैठे रटने से कुछ नहीं होता, मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट वेरी वेल, इसको कहते हैं 24 कैरेट रॉक सॉलिड प्रिपरेशन। अगर तुमको ऐसे और भी सब्जेक्ट और ऐसे मेरे क्वालिटी गवर्नेंस आईआर के पीएसआईआर के तुम वीडियोस देखना चाहते हो, यू वांट स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन, प्लीज जॉइन अस ऑन आवर प्लस क्लासेस,
And I'll be very, very happy to teach you. Use the code SIDLIVE, SIDLIVE. Mera referral code use kijiye. And you'll get an immediate huge discount. And I will be very, very happy to teach you. In the words of One Academy, let's crack it. Until next time, God bless. Thank you and Jai Hind.